हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं तत्काल टिकट बुक करने वाला हूं और बुक करने के अलावा मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को फॉलो करके मैं कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर पाता हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारा प्रीवियस इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं हर एक दिन दो दिन पर मैं तत्काल का वीडियो लाइव बनाकर मैं अपलोड करता हूँ। आप मेरा पहले का वीडियो देख के अब सीख सकते हैं। मैं वही ट्रिक से मैं लगातार टिकट बुक करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक पटना टू हावड़ा का टिकट बुकिंग कर रहा हूँ तत्काल कोटा से ही। तो एक DDN हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, मैं उसी ट्रेन में कर रहा हूँ जो 5:40 पटना से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं पहले से ही सबसे पहले आपको कम क्या करना है ना कि मास्टर लिस्ट पहले ऐड करना है, जो कि कंपल्सरी सभी लोग जानते हैं। दूसरा नंबर, आप जो फ्रॉम आउट टू जो सिलेक्ट करते हैं तत्काल के टाइमिंग पे, फ्रॉम आउट टू और डेट जो भी कोटा वोटा होता है, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि वहाँ पे जाके रुके रहते हैं, तो आपको वो पहला प्रोसेस वही होता है। तो आपको सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है कि आप फ्रॉम आउट टू डेट कोटा सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पेज में चली जाइएगा, जहाँ पे जाते ही जिस ट्रेन में आपको बुकिंग चाहिए सेम उसी ट्रेन के पास में जाकर आपको वेट करना है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने वेट कर रहा था, ठीक है। तो 11:02 हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे फेचिंग मास्टर पैसेंजर लिस्ट। मैं पैसेंजर का लिस्ट पहले से ऑलरेडी एड कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो में इस ट्रेन में मैं 4 टिकट बुक करने वाला हूँ। अगर बुकिंग हो जाता तो वो भी आप देखिएगा, नहीं होगा तो वो भी आप देखिएगा। तो जैसे कि मैं 4 लोगों का इस ट्रेन में बुकिंग करने वाला हूँ, मैं पैसेंजर्स का डिटेल्स पहले से ऐड कर लिया हूँ। जैसे ही मेरा मास्टर लिस्ट ओपन होगा, मैं पैसेंजरों का नाम ऐड करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो कर लूँगा, ठीक है। दूसरा, मैं आपको पैसेंजर्स का डिटेल्स पहले से ज़रूर ऐड कर लेना है। तीसरा नंबर, आप तत्काल के टाइमिंग में भूल से भी, गलती से भी कोई दूसरा ऑप्शन पर क्लिक नहीं करिएगा। अगर क्लिक कर देते हैं तो आपसे वो तत्काल टिकट पक्का है कि मिस हो जाएगा। तत्काल के टाइम पे आपको सारा कंसल्टेंट आपको अपना वेबसाइट, अगर आप तत्काल टिकट मोबाइल से करते हैं या IRCTC का वेबसाइट से करते हैं, आपका सारा कंसल्टेंट जो है आपका टिकट पर होना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं, आपको 5 से 10 मिनट मेहनत करना है वेबसाइट पर। आप 5-10 मिनट अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि मैं नर्वस नहीं होता हूं टिकट बुकिंग के समय में, जैसे कि आप देख पाते, एकदम नर्वस नहीं होता। भले मेरे को टिकट ना मिले, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूं कि मुझे टिकट मिल जाए, ठीक है। तो अभी भी मेरा पैसेंजर लिस्ट ऐड आया नहीं है, 11:04 हो गया। देखिए, अभी मेरा पैसेंजर लिस्ट आ चुका है, मैं चारों को ऐड कर चुका हूँ। सारा ऑप्शन पर देखिए, एकदम लाइन बाई लाइन में क्लिक कर रहा हूँ। गलती से भी गलत ऑप्शन पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका टिकट बुकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपको टिकट बुकिंग करते करते एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, जिससे आप इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर रोज़ एक कंफर्म टिकट बुक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप एनी टाइम हमारा तत्काल वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं इसका पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, कंफर्म टिकट बनाता हूँ। अभी खास करके बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके कारण टिकट बुकिंग नहीं हो पा रहा। पहले 11:02 में नॉर्मली कोई भी टिकट बुक कर लेता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि 11:05 के बाद से ही कैप्चा फिल कर लेते जल्दी से हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि 11:05 तक आपका रेलवे वाले अभी टिकट बुकिंग कर रहे हैं खिड़की से, UPI से मैं पेमेंट करूँगा। और इसके बाद 11:05 के बाद से आपका मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर जो जिसे आप बुकिंग करते हैं, 11:05 के बाद से ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना UPI ID दर्ज कर रहा हूँ, डायल कर रहा हूँ, ठीक है। IBL अपना मोबाइल नंबर देने के बाद प्रोसीड कर दिया हूँ। इसके बाद जल्दी से मैं फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैं इसी फ़ोन से टिकट बुक कर रहा हूँ और इसी फ़ोन से पेमेंट भी कर रहा हूँ, देख लिए, एक ही फ़ोन से। जैसे कि मैं फ़ोन पे से पेमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, 1811 रुपये कुछ पैसा है। 4 लोगों का मैं बुकिंग कर रहा हूँ, तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जल्दी से हम अपना IRCTC का पेज में चले जाते हैं, नहीं तो क्या होता है, लॉगआउट हो जाता है कभी कभी। तुरंत एकदम जल्दी से आपको पेज में आ जाना, नहीं तो लॉगआउट हो जाएगा, तो फिर आपको टिकट कन्फर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कभी टिकट हो पा रहा है कि नहीं, तो हमारा टिकट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। S4 में 70 नंबर, 71 नंबर, 72 नंबर, 67 नंबर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से मैं तत्काल टिकट बुक कर पाया हूँ। कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं तत्काल टिकट बुक कर पाया हूँ। सेम इसी तरह से आप भी टिकट बुक कर सकते हैं। मेरा टिकट कन्फर्म होने के बाद मैं फिर से पटना टू हावड़ा इसी ट्रेन में सर्च करके गया था देखने के लिए, तो इस ट्रेन में रिग्रेट टिकट जा चुका था, वेटिंग भी नहीं बचा हुआ था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 11:05 के बाद से ऑनलाइन मोबाइल से या लैपटॉप से टिकट बुकिंग
स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंफर्म होना या जो भी मतलब स्टेटस होता है 11:05 के बाद से, आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐसा सिस्टम मेरे को देखने को मिल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि मैं 11:05 के बाद ही मैं टिकट कंफर्म बुक कर पाता हूँ। अगर बाई द वे आप टिकट बुकिंग करते हैं तो 11:05 तक अगर सीट 10 भी अगर अवेलेबल रहता है तो पक्का है कि आप सीट बुक कर लीजिएगा। 11:05 से पहले अगर सीट ख़त्म हो जाता है तो वो बात का बात है, अगर ख़त्म नहीं होता है ना पक्का है कि अब अगर आप लगे रहते हैं तत्काल टिकट बुक करने में तो पक्का है कि आप टिकट कंफर्म जरूर बुक करिएगा 11:05 के बाद से। सो आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच